सर कक्षा 11वीं और 12वीं के तो पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन देखिए कक्षा 10वीं के अभी तक पेपर लीक नहीं हुए हैं। सो फाइनली देखिए ये अभी अभी वायरल पेपर हुआ है, मुझे मात्र 5 मिनट पहले ये पेपर मिला है, इसलिए मैंने कल से अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाली थी। मैंने सोचा आप मुझे अगर पेपर मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब भी मैं पेपर शेयर करता हूँ ज्यादातर क्वेश्चन उसी से फंस जाते हैं, आप सभी का यही कमेंट आता रहता है। सो देखिए फाइनली अभी अभी ये वायरल क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, और इसके पहले मुझे 10th जो है आपका यहाँ पे 11th इंग्लिश का मिला हुआ था, तो एग्जैक्टली वही पेपर आज एग्जाम में आया हुआ है। सो हो सकता है यह पेपर भी आपका आ जाए एग्जाम में, लेकिन आपको फाइनली पूरी तरह से इसी पे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन ये हम मान के चल सकते हैं कि ये पेपर आ सकता है। सो देखिए कुछ इस प्रकार से इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मैंने करा लिया है, सभी क्वेश्चंस के इसके आंसर मैंने इसकी पीडीएफ इसमें बना ली है। सो जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे, और साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना होगा जब आपको पेपर मिलेगा। यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहने वाली है, और यहाँ पे समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। कुछ दिशा निर्देश रहेंगे जो कि आपको ये सारे रीड करने पड़ेंगे, और यहाँ पे देखिए सही विकल्प आपको चुन करके लिखना होगा, जिसमें कि एक एक नंबर के 6 सही विकल्प आपके रहने वाले। तो पहला जो सही विकल्प आपका रहेगा, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो देखिए मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है वो शैलों का होता है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 3/4 भाग आपका जल से भरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है। इसके बाद आपका चीतक किस गति से दौड़ सकता है? तो चीता जो है 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। फिर इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से और ये क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, देखिएगा 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है नेपोलियन यहाँ पे संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेपोलियन संहिता। इसके बाद है वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो वंदे मातरम को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कुछ इस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ था। ये रचनाकार है वंदे मातरम के। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है आपका वो 1914 में हुआ था। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान। तो कुछ इस प्रकार से ये आपके एक एक नंबर के 6 रिक्त स्थान रहने वाले हैं। तो चलिए इन रिक्त स्थान को भी हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें तीसरे का आंसर जो होगा वो होगा आपका केंद्रीय, और जो आपका यहाँ पे चौथे का आंसर रहेगा वो होगा आपका बहुसंस्कृतिक। बाकी जो रिक्त स्थान बचे हुए हैं इनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैंने तीसरे और आपको यहाँ पे चौथे का आंसर बताया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। सो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देखने के पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक एक नंबर के 6 पूछे जाएंगे। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी भाग से घिरा हुआ है? तो देखिए 27% हिस्सा पठारी भाग से घिरा हुआ है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? तो देखिए एक दामोदर नदी है उसको शोक नदी बोला जाता है। लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन अंग्रेज कवि था। गांधी जी ने यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब यहाँ पे वापस लिया था? तो देखिए गांधी जी ने 1931 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1931 में यह विश्व युद्ध लड़ा गया था। और देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहने वाली आपके यहाँ पे सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां हमें यहाँ पे चुन करके लिखनी थी। तो सही जोड़ियों का देखिए समवर्ती जो सूची है इसका जब हम मिलान करेंगे तो वो मिलान करेंगे यहाँ पे व्यापार संघ से। श्रीलंका का मिलान करेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हमें मिलान करना है सहेलियों से। पाकिस्तानी का मिलान करेंगे ईसाई धर्म से। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। मछली पालन प्राथमिक यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र। सीमेंट कारखाना होगा आपका यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र। तो देखिए ये द्वितीय अक्षर से मिलान कर लेंगे। एक एक नंबर की 6 सही जोड़ियां आपकी आने वाली हैं। इसके बाद रहेंगे आपके सत्ता सत्य। तो देखिए एक एक नंबर की 6 सत्ता सत्य रहेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है वनों और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। तो ये सत्य होगा आपका या फिर असत्य होगा ये आपको बताना है। तो ये असत्य होगा। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये असत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में घर लौटे थे। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। इतिहास यहाँ पे देखिएगा, इतिहास के यहाँ पे हर दौर में मानव एक समाज दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और बेल्जियम के नेताओं ने यहाँ पे श्रीलंका जो है तो श्रीलंका के सामने अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है संसाधन से क्या अभिप्राय है और अभ्यारण हम किसे समझते हैं। 2 अंक का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए संसाधन का आपको आंसर दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको संसाधन वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे जल संरक्षण के लिए कृषि में किस क्रांति की आवश्यकता है। जनमत संग्रह का क्या आशय है? तो देखिए वीडियो को रोक करके आप सभी क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिएगा बहिष्कार से क्या आशय है
और प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति कौन सी थी। तो देखिए बहिष्कार से क्या आशा है इसको हम देखेंगे, बहिष्कार का क्या अभिप्राय है या फिर क्या आशा है इसको आपको लिख लेना है वीडियो को रोक करके। इसके बाद रहने वाले हैं आपके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 भी 2 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया हमें संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो देख लीजिए संघीय सरकार किसे कहते हैं इसको आपको नोट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से संघीय सरकार का आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है अधिकार क्षेत्र क्या है, तो यह भी आपका 2 अंक का है अथवा वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका देखिएगा अश्व शक्ति आंदोलन क्या था, तो देख लीजिए अश्व शक्ति आंदोलन क्या था ये आपको नोट करना है, जल्दी से नोट करते जाइए। वीडियो को रोक लीजिए, सभी क्वेश्चंस को आप लिखते जाइए, मैं डायरेक्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर दिखाते जा रहा हूँ। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा ज्ञात आधारिता से क्या समझते हैं, यहाँ पे जो हमारा था यहाँ पे अश्व शक्ति वाला मैं बता चुका हूँ और अथवा है वस्तु विनिमय वाला आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए अश्व शक्ति आंदोलन कब हुआ था ये मैंने अभी नहीं बताया था, तो इसको देख लीजिए आप अश्व शक्ति आंदोलन वाला इसको नोट कर लीजिए। फिर है 11वां आपका ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, तो चलिए 11वां भी आपको दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से 11वां भी आपको लिखना है ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं। फिर है आपका यहाँ पे देखिएगा 12वां मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, तो मृदा अपरदन से अभिप्राय पूछा गया है, तो चलिए 12वें का आंसर देख लेते हैं हम किस प्रकार से हमें 12 का आंसर लिखना है। देखिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखेंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 13 देखिएगा उदारवाद का क्या अर्थ है, यह हमें समझाना था तो उदारवाद का अर्थ हम समझ लेते हैं, उदारवाद किसे कहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से उदारवाद वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे आयात यहाँ पे शुल्क से क्या अभिप्राय है, तो आयात शुल्क क्या है इसको हम समझेंगे। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आयात शुल्क का अभिप्राय हमें बताना था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे अमेरिकी समाज के 2 सामाजिक विभाजन कौन से हैं ये हमें बताना था, तो देखिए अमेरिका समाज के 2 सामाजिक विभाजन कौन कौन से हैं इसको नोट कर लीजिए। फिर है आपका देखिएगा संसाधन से क्या अभिप्राय है, तो संसाधन से हम क्या समझते हैं इसको देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से संसाधन से अभिप्राय पूछा जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपका रहेगा यहाँ पे 2 अंक का, जो कि 17वां क्वेश्चन रहेगा आपका श्रम क्या है, श्रम का अर्थ हमें बताना था, तो श्रम क्या है श्रम का अर्थ देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है श्रम क्या है और इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से आपको नोट करना है। इसके बाद है आपका 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जैव विविधता से क्या आशा है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए जैव विविधता से क्या आशा है ये 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा और मानव के लिए अत्यंत यह महत्वपूर्ण है, सो इस प्रकार से आपको ये 18वां करना था। फिर देखिए 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी और राष्ट्रवाद के मामलों में हमें समझाना था भूमिका क्या निभाई जाती, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है इसको करना चाहिए, तो देखिए यहाँ तक ये पूरा लिखना है आपको, फिर देखिए कुछ इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपको लिख लेना है, सो ये कुछ इस प्रकार से था आपका। इसके बाद आपका देखिएगा बेल्जियम में जातीय संरचना जटिल कैसे है व्याख्या करना है अथवा में है एकात्मक शासन के हमें दोष बताने हैं, सो चलिए आपको दिखा देते हैं बेल्जियम जटिल संरचना कैसी है ये आप जल्दी से इसको नोट कर लें, कुछ इस प्रकार से आपका बेल्जियम संरचना वाले का आंसर हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21वां भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी हमें देनी थी, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम, भारत की भाषा नीति पर हम टिप्पणी दे देते हैं इसका अथवा वाला करेंगे हम, आर्थिक विकास की आवश्यकता और महत्व हमें समझाना था, तो देखिए आर्थिक विकास की आवश्यकता और महत्व वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लिख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये 3 महत्व होंगे तो ये 3 महत्व आपको लिखने पड़ेंगे। फिर है इसके बाद देखिएगा 22वां क्वेश्चन जो कि 4 अंक का है आपका मुद्रा के प्रमुख कार्यों की हमें व्याख्या करनी है, तो चलिए मुद्रा के प्रमुख कार्य आपको दिखा देते हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। पहला कार्य जल्दी से नोट करें आप, देखिएगा विनिमय का माध्यम, फिर है मूल का मापक, फिर है आपका मूल्य संचय का आधार होना, मूल्य का हस्तांतरण, फिर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी में आपको अंतर बता रहा था, 4 अंक का क्वेश्चन है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से 4 अंक का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, जलोढ़ मिट्टी और यहाँ पे कोलाइड मिट्टी में अंतर, लेथेलाइट मिट्टी में अंतर, सो ये देखिए टोटल आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। अब जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ हमें डाउनलोड करनी है, जो आप पीडीएफ दिखा रहे हैं ये पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सो बहुत ही आसान तरीका है, मैं पीडीएफ आपको डाउनलोड करके ही यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, यहाँ पे लिखेंगे बस, फिर इतना लिख के हमें सर्च कर देना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पे, जैसे ही हम सर्च करेंगे सबसे ऊपर हमें रिजल्ट मिलेगा स्टडी नोट्स पीजे, इस पर हमें करना होगा क्लिक,
इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड पे करना होगा क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें चाहिए यहाँ पे कक्षा दसवीं सोशल साइंस का पेपर, तो ये डला हुआ है, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऐड आ जाएगी, इस ऐड को करना है इसके, फिर नीचे आना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर मैंने अभी क्लिक नहीं किया है, तो एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ सही से। फिर देखिए क्लिक होने के बाद हम जाएंगे नीचे, नीचे होने के बाद देखिए यहाँ पे हमें एक ऐड देखने के लिए मिलेगी, तो इस एक बार इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक लिंक एक्टिव हो जाएगी, पेपर की पीडीएफ डाउनलोड, सॉल्यूशन की पीडीएफ। अब मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये लोड ले रहा है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है।